दोस्तों जबकि भारतीय सैनिक मालदीव से वापस आ रहे हैं तो चीन बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह नाच रहा है चीन का कहना है कि हम मालदीव की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं तो हमने चीन से कहा कि आप मालदीव की सुरक्षा बाद में करना पहले अपना पिछवाड़ा देख लो आपके देश में आग लग गई है कुआ खोद लो नहीं तो लेट लतीफी में फंसे जाओगे दोस्तों तो हमारा नहीं गोल्डमन सेक का एनालिसिस आया है जिसके अनुसार चीन पर तेरह ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है अगर ये एनालिसिस आप अलग कर दो तो कुछ एनालिसिस का तो कहना है कि चीन में जो जीडीपी है उससे ढाई गुना इनके ऊपर खर्चा है अमेरिका की तुलना में जीडीपी के मुकाबले सबसे अधिक कर्जा दुनिया में सबसे अधिक कर्जा चीन चढ़ाए बैठा है चीन की हालत इतनी दयनीय है अर्थव्यवस्था डूब रही है इस बीच में इनकी जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी उसमें भाई साहब कुछ नहीं निकला निल बटे सन्नाटा बस लीपा पोती कर दी निवेशकों को सुनने में जो बातें अच्छी लगती है वो कह दिया लेकिन किया कुछ भी नहीं इसलिए लोग अभी भी दिग्भ्रमित हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ अभी भी चर्चा कर रहे हैं क्या चीन की इकोनॉमी का क्राइसिस चालू हो गया है देख लीजिए आप बूमिंग चाइना के बारे में बात करने वाले दिग्गज एक्सपर्ट्स आज चाइनीज पतन की राह देख रहे हैं इसी बीच दोस्तों सबसे अच्छी खबर आई है अमेरिका से आपको जानकारी है चीन साउथ चाइना सी के बाद पूरे के पूरे हिंद महासागर को डकारना चाहता है और ये करने के लिए चीन बड़े पैमाने पर नौसैनिक शक्ति का विकास कर रहा है तो अमेरिका की जो लेबर यूनियन है उनका कहना है कि अमेरिका क्यों मदद कर रहा है चाइनीज जंगी जहाजों के निर्माण में चीन नेवल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनमें अमेरिकन स्किल सेट का अमेरिकन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करता है तो चीन पर नकेल कसी जाना चाहिए शिप बिल्डिंग के केस में और मान्य बार यहाँ हाईलाइट करना जरूरी है ये बात हम नहीं कह रहे हैं हम लोग तो छह सात साल से कह रहे हैं अब अमेरिका में मांग उठ रही है कि क्या फालतू में टिकटॉक को बैन कर रहे हो वो तो हो जाएगा उससे बड़ी चोट होगी जब चीनी जंगी जहाजों का निर्माण कार्य बीच में ही अटक जाएगा अगर चीन के पास जंगी जहाज और पंडुबिया ना बचेंगे अगर वो पुराने जहाजों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपग्रेड नहीं कर पाएगा तो कहाँ ये हिंद महासागर के ऊपर अपनी लाल लाल आंखें दिखा पाएंगे इसी बीच दोस्तों आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है किंतु मान्यवर ये खरीदारी का मौका है इस दौरान आप जरूरी कलाएं सीख लीजिए ताकि आगामी पंद्रह दिन एक महीने में आपके पास नेसेसरी स्किल सेट आ जाए जिसके बल पर आप अच्छा माल पहचान कर उसे सस्ते दाम में खरीद पाए गिरावट के बाद भविष्य में जो उछाल आएगी उसमें आपका फिर बनेगा प्रॉफिट तो ये करने के लिए आपको सीखना पड़ेगी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं सीखना तो है आपको लेकिन ध्यान रखिएगा पच्चीस मार्च होली तक हमारे तीनों आत्मनिर्भर इन्वेस्टर फ्यूचर से वो ऑप्शन कोर्स पर पचास फीसदी डिस्काउंट मिल रहा है उसका लाभ जरूर उठाइएगा मान्यवर